गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट मुलायम सिंह यादव की हालत काफी क्रिटिकल हो गई है। अस्पताल के मुताबिक मुलायम सिंह यादव को लाइफ सेविंग ड्रग्स दी जा रही है ताकि उनकी सेहत में कुछ सुधार हो सके। बावजूद इसके उनकी सेहत में कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये है कि मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए उनके समर्थक और सपा कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच रहे हैं, जबकि सपा की तरफ से कार्यकर्ताओं को अस्पताल आने के लिए मना किया गया है। लेकिन मुलायम की एक झलक के लिए लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ अस्पताल पहुंच रही है। इसी बीच अस्पताल से एक वीडियो सामने भी आया जिससे ये पता चलता है कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने से उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता कितने दुखी हैं। हुआ ये कि अखिलेश यादव जैसे ही अस्पताल से बाहर की तरफ आने लगे तो सपा कार्यकर्ताओं और मुलायम के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया, बल्कि एक समर्थक तो अखिलेश यादव को देखकर फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते ही कहने लगा, भैया नेताजी को बचा लीजिए। जिसके बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को ढांढस पहुंचाया और कहा कि चिंता मत करो, नेताजी ठीक हो जाएंगे। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की तबीयत क्रिटिकल होने के बाद से ही अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव समेत पूरा परिवार दिल्ली और गुरुग्राम में जमा हुआ है और लोगों से अस्पताल नहीं आने की अपील भी कर रहा है। लेकिन कार्यकर्ता हैं कि नेताजी की एक झलक पाने के लिए अस्पताल के आसपास डेरा जमाए हुए हैं। वीके न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वीके न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।